या कि कोई नहीं है और दुनिया में नहीं, पता नहीं सर किसी और मुल्क में मेरी दुनिया में कोई विद कंप्लीट जिम्मेदारी कर, दुनिया में किसी जगह पर कोई प्रॉपर्टी, कोई बैंक अकाउंट, कोई कंपनी नहीं है। बच्चे की 2008 में जब मैं पाकिस्तान में, जब मैंने ओथ ली थी और उसके बाद मैं पाकिस्तान में रेजिडेंट हुआ, मेरा जो फॉरेन नेटवर्क थी वो मर्ज हुई, जो आप कहती है इंक्रीज, वो सारी हासिल डिक्लेयर्ड है ईसीपी में। बट योर सन्स हैव इट। My sons never worked in Pakistan. हाँ, सही वो उन्होंने यूके से पहले एजिसन कॉलेज से यूके में उन्होंने ग्रेजुएशन कनाडा से किया अपना बिजनेस, उनकी भी बाय द वे उनके भी टोटली हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, ऑडिटर्स उनके अर्नेस यंग थे। डॉक्टर साहब अब आपने करना क्या है जरा बताइए ना, कि देखे ना आप जो भी कुछ है, आप ज़ाहिर है पाकिस्तान आते रहे और आप बता रहे थे कि आपकी वालदा ने कहा कभी मुल्क नहीं छोड़ना, ये नहीं करना, तो व्हाट इज़ अब आपकी, व्हाट इज़ योर गेम प्लान? आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई रिव्यू होगा सोच का, कोई जैसे पिछली दफ़ा वो हुदैबिया वाले इशू में एक कोई आपको ऑफर किया गया कि जी आप कोई स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद आपको छोड़ दिया जाए, कोई ऑफर आया आपको ऐसा? देखें कोई सेटलमेंट मुझे का? एक नहीं, सेटलमेंट का ऑफर नहीं है, मुझे एक ऑफर इस दौरान, फिर वही एक ही ग्रुप है जो ऐसे काम करता है, इस तरह की आई कि आप पार्टी छोड़ दें दिस फ्यू मंथ्स बैक बिफोर इलेक्शन। अच्छा हाँ, ये यानी कि इदारों से है, नाम नहीं ले रहे लेकिन सबको मालूम है। हमें आपसे कहा आप पार्टी छोड़ दें जी, पार्टी छोड़, यानी कि कोई ऐसी गपशप थी कि अब मैसेज आया फॉर्मल? मैसेज आया जी, मैसेज आया, अगेन आई हैव विटनेसेस एंड ऑल दिस थिंग। देखें बात ये है कि नसीम बीबी मेरा क्लियर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है, खुद है भी मैंने कहा था जूं ही मेरे घर से सिक्योरिटी पर्सनल निकले थे 23 महीने के बाद और अटक से मुझे वापस फिर ये लाए, और उस जमाने भी मैंने आपको बताया, मैं रिकॉर्ड में हूँ, नवंबर 2003 रोड क्लास इंटरव्यू दिया था, कौन कौन जनरल मुझे मिले थे, मुझे क्या कहते थे। बात यह है कि उस वक्त भी और अभी भी मेरा जो मुल्क है वो मुझे सबसे ज्यादा अजीज है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो किसी से ज्यादा नहीं, डर से मैं सबसे पूछ भी लूं अंदर रिकॉर्ड सर, जी जी अगर इजाजत जी जी, तो मुझे जो ये बात है ना जी कि इस तरह की बात, वो इन्वायरमेंट जो है ना, आप वहाँ इंसाफ की अगर तवक्को करें यानी, तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम नंबर वन, जो हाँ खासकर जब ये सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे का ये रेफरेंस बना दें विदाउट वेरीफाइंग कि वो उनकी चीज़ें ठीक भी हैं कि नहीं, जेडी आसमान से तो नहीं उतरी ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें दो बंदे जो हैं वो मेरे दुश्मन हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वो मैंने वहाँ 34 साल का रिकॉर्ड इसलिए भेजा, वो भाई जान रिकॉर्ड